क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न मंदिर बोलते हैं। तो अभी हम आप पहुंचे हैं खजुराहो की धरोहर वेस्टर्न मंदिर पे। अभी सुबह के 6 बजे, कल शाम को आना हो नहीं पाया था, शाम को आए थे तो एंट्री बंद हो गई थी। इतना बड़ा मंदिर है कि सिंगल फ्रेम में आएगा नहीं, अप डाउन करके पूरा दिखाना पड़ेगा। बहुत ही विशाल का है मंदिर है ये, इस पे उकेरी गई आकृतियां। बाहुबली के सेट से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बाहुबली का जो सेट था उससे ज़्यादा खूबसूरत, तो ज़्यादा विशाल है ये। अभी इस वीडियो में कुछ बोलने जैसा तो है नहीं, म्यूजिक लगा दूंगा, आप लोग सीनरी एंजॉय करो, क्योंकि ज़्यादा इसके बारे में मुझे पता नहीं है तो बोलूँगा भी नहीं। और देखने लायक चीज़ें हैं, आप देखिए। थोड़ा अंदर चल के भी इसको देखते हैं, एक और मंदिर है यहाँ पे भी। इस तरीके के ना बहुत सारे मंदिर है पूरे कैंपस में, हर तरफ। मोस्टली क्या है, फिरंगी लोग घूमते रहते हैं इधर, विदेशी लोग। वो देखो, वो चाचा जान घूम रहे हैं। बनाने वाले ने भी क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है यार, मतलब
सोच के देखो, पूरे पत्थर पे उकेरी गई आकृतियां हैं और इतनी फाइन है, और किस जमाने का आर्किटेक्चर है। अभी के तारीख में भी अगर आप मूर्तिकार को बुलाओगे तो इतने परफेक्टली वो इवन सांचे पे नहीं बनती इतनी खूबसूरत मूर्तियां। क्या ही आर्किटेक्ट रहे होंगे, कैसे ही लोग रहे होंगे, कितने कलाकारी थी उस टाइम पे। यहाँ से अंदर भी चल के देख लेते हैं। मेरे को भी नहीं पता, इतने सारे मंदिर हैं और इनकी खूबसूरती इतनी है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा एक बार आने के बाद। वैसे सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, मैं अंदर आके शूट कर रहा हूँ कि मैं देख लिया तो वो हो जाएगा, सीन हो जाएगा। खैर देख लेगा तो देखा जाएगा। अभी तो बहुत सारे मंदिर है मालूम, मेरे पीछे अगर नहीं सनलाइट ज़्यादा नहीं दिखेगा बट मंदिर बहुत सारे हैं। देखो ये सही रहता, अभी यही ट्रेन वेन से आते, फ्लाइट से भी आते तो इतना घूमने को नहीं मिलता। ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे ये जो मंदिर है वेस्टर्न मंदिर, ये ही है खजुराहो का फेमस मंदिर, जो मेन मंदिर है वो यही है। वैसे मंदिर काफ़ी सारे हैं, ये भी है और एक वो पीछे है इधर साइड पे, ये पीछे आप देख सकते हैं मेरे उंगली के आसपास, सारे मंदिर ही मंदिर है यहाँ पे। हाँ ये वाला तो हो गया, ये वाला हमने कैप्चर किया, इस पे चलते हैं अंदर। इस वाले पे अंदर नहीं जा पाया था, जूता पहन लो भूल गया। इस वाले पे भी अंदर जाके देखते हैं और दिखलाते हैं कैसे कैसे। आ चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर। क्या ही आर्किटेक्चर रहा होगा उन लोगों के पास, गुम्बज अभी को राड सीमेंट लगा के भी बनाते हैं तो उतना सही से नहीं बन पाता। यहाँ पे बाबा विराजमान है क्या, मेरे को आइडिया नहीं था। लेस ऑन हो जाओ बेटा। हाँ यहाँ पे बाबा विराजमान है। यहाँ अंदर शायद परिक्रमा करने के लिए भी है जगह।
यहाँ पे तो लग रहा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो अमी से तुम्हार वाली, थोड़ा स्कैरी है ये। बहुत बड़ा मंदिर है और अभी अंधेला है थोड़ा सा और मैं अकेला हूँ, इट्स काइंड ऑफ बिट स्कैरी, बट इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन। बस पायल की आवाज और आ जाए। नहीं चिड़िया है वो, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। आप लोगों में से बहुत जनों ने घूमा होगा, कुछ ऐसा विदेश में नहीं है मंदिर, लेकिन जिन्होंने नहीं घूमा है तो मैं उनको बोलूंगा कि आपको एक बार जरूर आना चाहिए यहाँ। ये सारी चीजें देखने से नहीं समझ आएंगी, मतलब फोन पे मोबाइल पे देखने से, वीडियो देखने से इनकी खूबसूरती जस्टिफाइड नहीं होती, इनको आपको करीब से देखना होगा। मतलब इत्तु इत्तु सी चीज भी ना इतनी बारीकी से बनाई है, इतनी खूबसूरती से बनाई है, जिसका कोई जवाब नहीं है। इट्स अनबिलीवेबल। तो लाइव शो भी होता रहेगा, ये लाइट वगैरह लगी हैं शाम को, अभी रात को तो बंद हो जाता है, शाम को क्या ये लाइटिंग वगैरह होती होगी यहाँ तगड़ी। आई एम सो ग्लैड कि क्राउड नहीं है, कुछ एक फॉरेनर्स हैं और कुछ कपल आए हैं बस, ज़्यादा भीड़ नहीं है। मैं इकलौता अकेला आया हूँ, बाकी सब जोड़े में है, सही गार्डन है चिल करने के लिए, कहीं पे भी लेट लो मगरमच्छ की तरह पड़े रहो बिंदास। अच्छा मेरे को एक ही पता था मालूम, मैं खाली ये वाला मंदिर जाना करता था कि ये एक ही मंदिर है खजुराहो में, लेकिन यहाँ पे मंदिरों का एक समूह है, बहुत सारे मंदिर हैं। ये है ये कौन सा मंदिर है, लेट मी चेक। हाँ जी, तो ये है चित्रगुप्त मंदिर और आकृति आकार लगभग जो सेकंड वन है उसी की तरह है, सबसे बड़े साइज में फर्स्ट वाला है, उसके बाद ये उसी के साइज पे है। और बहुत चढ़ना पड़ता है, ऊपर नहीं जा रहा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा गाइस, मेरे को घाम लग रहा है, इतनी घाम में मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं इस तरफ चलता हूं। ये चेक करो गाइस, क्या ही तगड़ा मंदिर है ये भी। सबका इंडिविजुअल एक नाम है, तो इनका क्या नाम होगा, यह है पार्वती मंदिर। तो कैमरे का वाइड एंगल है फिर भी अरे आम लगे हैं क्या। ये ब्रेन लिपि में लिखा हुआ है जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, भाई बहन हैं, उनके पढ़ने के लिए ब्रेन लिपि।
वो अभी हम लोग वहाँ थे उस वाले मंदिर पे, अभी आ गए इस साइड। एक तो ये चिड़िया बैठी इतना हल्ला करती है जहां जाओ ना। ये चिड़िया मार खाएगी, शांत हो जाओ। कितने साल लगे होंगे इसको बनाने में, मतलब मैं देख देख के सोच सोच के परेशान हो रखा हूँ, लोगों ने बनाया कैसे इसे। कितना बड़ा विशाल काय, ह्यूज। ये कैंपस है और ये टेंपल। ये बहुत ही विशाल काय भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है। वेरी ह्यूज। चल ही लेते हैं। जय जयकार। और यहां बैठे हैं मेरे महादेव। भोलेनाथ का मंदिर हो और नंदी महाराज ना हो ऐसा संभव नहीं है, तो यही परंपरा के अनुसार खुजराहो में भी ये सामने बाबा विश्वनाथ का मंदिर और उनके ठीक सामने विराजमान है नंदी महाराज। इनके भी नज़दीक से दर्शन करते हैं फिर बढ़ते हैं सफर में आगे की ओर। हाउ क्यूट। ते हमारे नंदी महाराज। ये देखिए, ये हमारे नंदी महाराज और ये सामने विराजमान है हमारे बाबा भोलेनाथ। तो गाइस इसी के साथ खुजराहो का ये सफ़र यहीं समाप्त करते हैं और यहाँ से हम निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। क्योंकि बहुत दूर जाना है और अभी ऑलरेडी 8 बज चुके हैं, सुबह के 8 बज चुके हैं और धूप काफ़ी चढ़ चुकी है। अभी मैं जाऊँगा और कपड़े वपड़े पैक करके फिर से निकलता हूँ अपने सफ़र की ओर। वृंदावन जाना है, श्री धाम जाना है और प्रयास करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के भी दर्शन हो जाए अगर हमको आज ही, तो इससे बड़ा सौभाग्य मैं नहीं मानता कुछ होगा। तो ठीक है, फिर वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ अगर कमी पेशी है, कुछ आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो भी कमेंट करिए। अब कमेंट तो करिए, अच्छा कमेंट करेंगे तो मनोबल बढ़ेगा, कुछ सुझाव देंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो कमेंट करिए, ठीक है, लाइक करिए और कमेंट करिए, वीडियो को हो सके तो शेयर करिए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। दिस इज रवि तिवारी साइनिंग ऑफ।